रांची में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान किया जा रहा है और रांची के सांसद संजय सेठ भी जो है चुनाव प्रचार में जुटे हैं, जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं और यहाँ देखेंगे जो समर्थक है समर्थकों के साथ है और जाहिर सी बात कि ऐसे मौके पे अब अंतिम क्षण है और अंतिम क्षण में और चलते चलते वो लोकसभा से चुनाव है और तो समर्थकों में जो उत्साह है वो आप देख सकते हैं। और अब हम लोग संजय भैया से बात करते हैं। संजय भैया, अब चुनाव प्रचार अंतिम मुकाम पे है, कैसी कहाँ कहाँ जा रही है? देखिए, आप पूरी रात हम सुबह 4:45 लौट के आए क्षेत्र से, लगातार रात भर, अभी सुबह 6 से सुबह नाश्ता भी नहीं किया। देखिए कार्यकर्ता हमको घर घर आलू चॉप खिला रहे हैं और आज अंतिम ओवर का मैच है और इस अंतिम ओवर में कोई छूटे नहीं। मेरा प्रयास है कि हम सब तो 5 साल घूमते रहे बिना रुके बिना थके, जैसे प्रधानमंत्री जी मेहनत करते हैं उनसे ऊर्जा हम सब प्रदान पाते हैं, उसी ऊर्जा से काम कर रहे हैं। और क्षेत्र की जनता ने बहुत प्यार बहुत प्रेम दिया, हम इसका जिंदगी भर ऋण नहीं उतार सकते। जो प्रेम प्यार जिंदगी का यही कमाई होती है जब जनता आप पे प्रेम प्यार लुटाती है और उसके एवज में हम सब पसीना बहाते हैं और जो पसीना बहा रहे हैं अब की बार 400 के पार। 400 पार का जो नारा है संकल्प है, ये कैसे पूरा होगा, क्या रणनीति? नहीं, ये 400 पार का नारा नहीं है, ये संकल्प है और उसी संकल्प से हम सब बंधे हैं और हम पूरे देश तो कर रहा है, झारखंड में गांव गांव टोला टोला हर व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पे विश्वास और मोदी की गारंटी भी गारंटी और हम सब उसी ऊर्जा से। आप देखना 4 को झारखंड की 14 सीट 13 फूल और 1 के रूप में प्रधानमंत्री जी को 4 को भेजा। रांची में आमने सामने की टक्कर है और इंडिया घटक दल से यशस्विनी शाह चुनावी मैदान में है, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? हम सामने कौन है ये नहीं देखते, हम अपनी मेहनत करते हैं और मेहनत के बल पे भाई आपके पास सामने तो कोई ना कोई होगा, लोकतंत्र है ना, लेकिन हम उधर नहीं देखते। अर्जुन ने मछली नहीं देखी थी, पुतली देखी थी। हम भी अपना लक्ष्य जनता के बीच रखे, जनता को देख रहे हैं। इस बार का जो मेहनत है वो इस तरह से रंग लाएगा, क्या मार्जिन होगा, यदि जीत का मार्जिन का आकलन कुछ होगा? हम जो आकलन करें, हम तो अनवरत काम कर रहे हैं, जब जनता का आशीर्वाद देना जनता आशीर्वाद देगी। पूरे लोकसभा क्षेत्र में कहाँ अपार समर्थन मिला आपको? ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा, गांव टोला शहर हर जगह पार समर्थन मिला। रांची लोकसभा में कुर्मी वोटर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसको कैसे देखते हैं? देखो, प्रधानमंत्री ने कहा 4 हमारी जाति है, गरीबी हमारी जाति है, महिला हमारी जाति है, किसानी मेरी जाति और युवा मेरी जाति है, चारों भाजपा साथ खड़े हैं। यूथ को लेकर के आपने कहा, आप संजय भैया, यूथ को लेकर के एक बड़ा सवाल है कि यूथ लगातार ये पूछ रहा है रोजगार कब मिलेगा। आपको जानकारी होनी चाहिए, दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ, 1 में 10 लाख सरकारी नौकरी, 25 लोग गरीबी रेखा के नीचे उठ के ऊपर आ गए। आपको 10 में प्रधानमंत्री जी के, जब प्रधानमंत्री एक भी आदमी देश में भूख में मरा नहीं, आज से 10 पहले लोग हजारों लोग भूख से मरते थे, काला हंडी में 100 लोग मर गए, वहाँ मर गए, कोई भूख से मरा देश में नहीं, कोरोना में कोई भूख से मरा नहीं, यही तो सबसे बड़ा कारण है। अंतिम सवाल, घर परिवार से कैसा सहयोग होता है, दिनचर्या किस तरह की रहती है? नहीं, हमारी पत्नी भी सुबह से रात तक घूम रही है, हमारी बेटी बहू बेटा भी सुबह से रात तक घूम रहा है, आज ही नहीं, जहां हम नहीं जा पाते जैसे क्षेत्र में रहे सदन में रहे तो पत्नी जाती है, शरीक होती है हर कार्यक्रम में।
संघर्ष ने ये कहा है कि ये जो मुकाबला है सामने कौन खड़ा है ये नहीं देखते हैं, क्योंकि हमें अपना काम करना है और इसी लगन और मेहनत के साथ ये संकल्प भी उन्होंने दोहराया है कि बीजेपी 400 पार करेगी और झारखंड में अब बीजेपी और आसू जो है ये तमाम 14 सीटें जीतकर अब नरेंद्र मोदी को एक बड़ा तोहफा देगी। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।